करते हैं अपनी छोटी स्टोरी, यानी द प्राउड रोज। प्राउड मीन्स क्या होता है? घमंडी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्राउड मीन्स क्या होता है? घमंडी, यानी घमंडी। रोज मीन्स गुलाब, घमंडी गुलाब। तो वंस अपॉन अ टाइम, वंस वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल रोज, देयर वॉज यानी था, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल रोज प्लांट इन अ गार्डन। गार्डन मीन्स क्या होता है? गार्डन का मतलब होता है बगीचा। और रोज गुलाब प्लांट मीन्स होता है पौधा। तो क्या हो गया? देयर वॉज अ ब्यूटीफुल रोज प्लांट यानी गुलाब का पौधा इन अ गार्डन, एक गार्डन में। वन रोज फ्लावर ऑन द प्लांट वॉज प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटी, यानी क्या? वन रोज फ्लावर यानी एक गुलाब का फूल, ऑन द प्लांट यानी उसी प्लांट पे, एक पौधे पे। क्या होता है? एक पौधे पे बहुत सारे रोज के रोज यानी बहुत सारे गुलाब के फूल होंगे, तो उसी पौधे पे एक फूल ऐसा था कि जिसको क्या थी? अपने ऊपर बहुत ही घमंड थी। क्या है? प्लांट वॉज प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सुंदरता। ब्यूटीफुल सुंदर, और ब्यूटी सुंदरता, यानी उसको अपनी सुंदरता पे बहुत ही घमंड थी। हाउएवर, फिर भी, इट वॉज डिसअपॉइंटेड दैट इट वॉज ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस। अब क्या होता है कि वो बहुत ही सुंदर होता है, इसके बावजूद क्या होता है? डिसअपॉइंट मतलब वो दुखी था। डिसअपॉइंट यानी दुखी था, खुश नहीं था, मतलब वो दुखी था। किस बात से? दैट, दैट का मतलब होता है कि। तो दैट इट वॉज ग्रोइंग, वह बढ़ रहा था नेक्स्ट टू अगली कैक्टस, यानी जो अगली कैक्टस, अगली का मतलब बदसूरत, यानी वो जो है बदसूरत कैक्टस के बगल में ही बढ़ रहा था, यानी रह रहा था। तो ये क्या हो गया? कैक्टस जो आप जानते होंगे, जो रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, जिसके जिसके ऊपर पत्ते नहीं होते, उनके कांटे होते हैं, बड़े बड़े कांटे निकलते हैं, तो वो दिखने में क्या होते हैं? अगली होते हैं, बदसूरत होती है। एवरी डे यानी हर दिन द रोज वुड इंसल्ट द कैक्टस, यानी हर रोज़। एवरी डे मतलब हर दिन या हर रोज़, हर दिन द रोज वुड इंसल्ट, यानी इंसल्ट मतलब बेइज्जती करना किसी की, जब बेइज्जती करते हैं, बेइज्जती करना, बेइज्जती करना। तो एवरी डे द रोज वुड इंसल्ट द कैक्टस, यानी हर दिन क्या होता है कि और जो रोज़ होता है वो कैक्टस की बेइज्जती करता है, उसका मजाक उड़ाता है। अबाउट इट्स लुक, उसके लुक के बारे में, यानी लुक मतलब वो दिखता कैसे, उसके रंग रूप के बारे में उसका मजाक उड़ाता है। बट द कैक्टस स्टेड क्वाइट, स्टेड का मतलब क्या होता है कि जैसे का तैसा रहता है, यानी चुप। क्वाइट का मतलब क्या होता है? चुप। तो वो कैक्टस क्या होता है? चुप रहता है हमेशा, स्टेड मतलब चुप रहता है। लेकिन अब स्टेड है यानी पास्ट की बात करें कि द कैक्टस स्टेड क्वाइट, कैक्टस जो होता है चुप रहता था। ऑल द अदर प्लांट, अदर मतलब क्या होता है? दूसरे, या दूसरा, या दूसरे, दूसरे जो प्लांट है, दूसरे जो पौधे हैं, ऑल द सभी दूसरे पौधे इन द गार्डन ट्राई टू स्टॉप द रोज फ्रॉम बुलिंग द कैक्टस। द इन द गार्डन ट्राई टू स्टॉप, सॉरी क्या है, ऑल द अदर प्लांट्स इन द गार्डन, यानी जो भी दूसरे पौधे जो हैं गार्डन में, ट्राइड कोशिश करते हैं, ट्राइड मतलब कोशिश करते हैं, टू स्टॉप यानी रोकने की, द रोज, टू स्टॉप द रोज फ्रॉम बुलिंग द कैक्टस, यानी रोज रोज जो है गुलाब जो है जो कैक्टस को धमकाती है, तो इस चीज़ से उसको रोकती है, उसको धमकाने से रोकती है, गुलाब को, कैक्टस को धमकाने से रोकती है। बट द रोज वॉज टू शेड बाई इट्स ओन ब्यूटी टू लिसन टू एनी वन,
लेकिन क्या होता है कि जो रोज़ होता है उसको अपनी सुंदरता में वो इतना मग्न होता है, इतना खोया होता है कि उसको किसी और की बातें सुना ही नहीं देती, वो किसी और की बातें सुनना ही नहीं चाहता। क्या होता है कि द रोज़ वॉज टू स्वेड बाय इट्स ओन ब्यूटी टू लिसन टू एनी वन, एनी वन किसी और की बातें वो सुनना ही नहीं चाहता था, उसको सुनाई नहीं देती थी क्योंकि वो अपने अपने आप में ही चूर था, मग्न था। वन समर, एक गर्मी के मौसम में, अ वेल इन द गार्डन ड्राइड अप, यानी एक गर्मी के मौसम में या एक गर्मी के समय में क्या हुआ कि जो गार्डन के अंदर एक वेल था, वेल मतलब क्या होता है, कुआं। वेयर इज द वेल, अ वेल, वेल मीन्स क्या होता है, कुआं। अ वेल इन द गार्डन ड्राइड मतलब क्या होता है, सूख गया, ड्राई मतलब सूखना होता है और ड्राइड मतलब सूख गया, सूख गया, सेकेंड फॉर्म है, ड्राइड अप इन द ड्राइड अप एंड देयर वॉज नो वाटर, देयर वॉज नो वाटर यानी वहाँ पे पानी नहीं था, वो सूख गया और उसमें पानी नहीं था। फॉर द प्लांट्स, किसके लिए, प्लांट्स के लिए यानी वहाँ के जो पौधे थे उसके लिए पानी नहीं था क्योंकि कुआं क्या था, सूख चुका था। द रोज स्लोली बिगिन टू विल्ट, अब क्या हुआ, रोज जो है धीरे धीरे क्या हो गया, विल्ट होना शुरू हो गया यानी मुरझाना स्टार्ट हो गया। द रोज सा अ स्पैरो डीप इट्स बीक इन टू द कैक्टस, बीक इन टू द कैक्टस फॉर सम वाटर। अब एक दिन क्या होता है कि एक स्पैरो यानी गौरैया होता है स्पैरो जो भी है, तो क्या होता है, द रोज सा, रोज देखता है अ स्पैरो, एक गौरैया, डीप इट्स बीक, डीप मतलब क्या होता है, डुबोया या गहरा होता है, डीप का मतलब ऐसे गहरा होता है, अब बीक मतलब होता है चोंच, गौरैया का जो चोंच होता है। तो द रोज सा स्पैरो डीप इट्स बीक इन टू द कैक्टस, एक दिन वो देखता है कि जो एक स्पैरो होता है, एक गौरैया होता है, वो अपना चोंच कैक्टस में डुबा रहा है। फॉर सम वाटर, किसके लिए, कुछ पानी के लिए, वो इसमें डुबाकर और पानी निकालता है और पी लेता है। द रोज देन फेल्ट असेम्ड, असेम्ड मतलब क्या होता है कि खुद पे ही शर्मिंदगी महसूस होना स्टार्ट हो गया, किसको, रोज को। द रोज फेल्ट द रोज देन फेल्ट, फेल्ट मीन्स महसूस होना स्टार्ट हो गया, असेम्ड फॉर हैविंग, फॉर हैविंग मेड फन ऑफ द कैक्टस, किस बात पे उसको पछतावा स्टार्ट हो गया कि वो जो है कैक्टस का मजाक उड़ाया करता था। ठीक है, फन मतलब क्या होता है, मजाक, फन मतलब मजाक हो गया और किसी का मजाक उड़ाते तो आप कहते हैं मेक फन, क्या हो जाएगा, मजाक का तो फन हो गया, फन मीन्स मजाक, और जब आप लगा देते हैं मेक फन, मेक फन तो क्या हो गया, मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। तो यहाँ पर मेक का सेकंड फॉर्म क्या यूज हुआ, मेड, मेड फन यानी पास्ट की बात हो रही है, तो क्या हो गया, फॉर हैविंग मेड फन ऑफ द कैक्टस ऑल दिस टाइम, उस समय में जितने भी जो उसका मजाक उड़ाते थे। अब क्या होता है आगे देखते हैं, बट बिकॉज इट वॉज नीड ऑफ वाटर, बट बिकॉज लेकिन क्योंकि, लेकिन क्योंकि इट वॉज इन नीड ऑफ वाटर, क्योंकि उसको किसकी ज़रूरत थी, पानी की ज़रूरत थी, इट वेंट टू आस्क द कैक्टस, वो क्या गया, कैक्टस से बोलने गया या पूछने गया, इफ इट कुड हैव सम वाटर, अगर उसके पास कुछ पानी हो। द काइंड कैक्टस एग्रीड एंड दे बोथ गॉट थ्रू समर एज अ फ्रेंड, क्या हुआ, बट बिकॉज इट वॉज नीड ऑफ वाटर, क्योंकि रोज को पानी की जरूरत थी, तो इट वेंट टू आस द कैक्टस इफ ही कुड हैव, इफ इट कुड हैव सम वाटर, वो गया रोज, रोज जो है कैक्टस के पास गया कि अगर उसके पास कुछ पानी है तो वो उसे दे दे। तो क्या हो गया, उसके बाद क्या होता है, द कैक्टस, द काइंड कैक्टस, काइंड मतलब गया दयालु, तो जो दयालु कैक्टस होता है, बहुत कैक्टस दयालु होता है, वो मान जाता है, एग्रीड मतलब क्या होता है, मान गया, मान गया, जब आप किसी को मनाते हैं जो आपसे सहमत होता है उसे कहते हैं एग्री, एग्री, ये हो गया एग्री और डी लग गया तो एग्रीड, मान गया, एग्री मीन्स मानना, एग्रीड मान गया।
एंड दे बोथ गॉट एंड दे बोथ, बोथ वर्ड बहुत यूज होता है जब आप दो चीज़ों की बात करते हैं तो उसमें हम बोथ कर यानी दोनों, जैसे दो पेन है तो बोथ पेन, दो हाथ है बोथ हैंड, दो लोग है तो बोथ पीपल या बोथ बॉय, ऐसे मतलब है बोथ का यूज बहुत ज़्यादा होता है जब दो चीज़ों की बात होती है तो, ठीक है। बोथ गॉट थ्रू, यानी थ्रू मतलब के दौरान, थ्रू द समर, समर का मतलब होता है गर्मी, ये गर्मी के मौसम वाला गर्मी है, जैसे गर्मियों का मौसम होता है उसे हम कहते हैं समर, और जब ठंडी होती है उसे क्या कहते हैं विंटर, VINTER, विंटर मतलब कहता है सर्दी, सर्दियों का जो मौसम होता है। एज अ फ्रेंड, अब क्या हो गया कि उस, क्योंकि उस गर्मी में क्या हो गया दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। तो एक छोटी सी स्टोरी थी, आइए इसके मॉरल देखते हैं हम, इससे क्या हमें सीख मिलती है। मॉरल ऑफ दी स्टोरी, यानी इस कहानी से हमें सीख मिलती है, नेवर जज समवन बाय द वे दे लुक, कभी भी किसी को, नेवर मतलब कभी नहीं, तो नेवर जज, जज मतलब किसी को जज करना, या किसी को जैसे किसी को कोई कुछ करता है तो आप उसको जज करते हैं, उसको फैसला सुना देते हैं, तो किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, किसके, किसको देखकर, उसके लुक को देखकर, कि ऊपर से वो दिखने में कैसा है, इस बात को देखकर किसी को भी जज नहीं करना चाहिए कि ये व्यक्ति कैसा है या कैसा नहीं है, या उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी ही खासियत होती है, चाहे वो बदसूरत है, चाहे वो सुंदर है, चाहे अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, कमज़ोर है, ताकत